तो भैया अगर सच बताऊं, अगर आपके दिमाग में मोटा मोटा भरू ना कि इतना पैसा, इतना इनकम टैक्स, इतना टैक्स और साथ साथ इतना जीएसटी देने के बावजूद भी भारत के पास पैसे की कमी है, इसीलिए वो बाहर के देशों से लोन लेता है। और ले भी क्यों ना, जब 2% टैक्स रेशियो है भैया, 2% लोग भैया भारत में बस टैक्स ही देते हैं, तो लेना तो पड़ेगा ना भैया। तो भैया अपने देश के फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक नया बजट 1 फरवरी के दिन ला दिया गया है। लेकिन मेन बात यह आती है, जो यह नया बजट आया है ना, उसके अंदर क्या क्या खराबियां हैं और क्या क्या अच्छाइयां हैं, और साथ ही साथ इतना पैसा तो देते हैं, ये सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है? इतना इनकम टैक्स और इतना सारा चीज हम लोग पे करते हैं जीएसटी के साथ, लेकिन तब भी जाता आखिर कहाँ है? मेन बात तो ये है ना, क्योंकि क्या सारा पैसा सरकार चट कर जाती है? देखो ये बजट का फॉर्मेशन बनाने के लिए ना 6 महीने पहले से ही इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें ये ऐसा होता है कि भैया ये 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले क्या होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है वो अपना पूरा अनाउंस करती है कि भैया जिसके भी जितने खर्चे हो रहे हैं हर फील्ड में, वहाँ वो खर्चा सही से एक रिटर्न डॉक्यूमेंट फॉर्म में लाके दे। और दूसरे में यह जीडीपी की स्टडी करी जाती है कि भैया आखिर कितना स्टॉक मार्केट या इन सब में कितने किसका कितना पैसा खर्च हो रहा है। और आखिरी में क्या होता है, प्रधानमंत्री के साथ फाइनेंस मिनिस्टर एक डिस्कशन करती है और उसके बाद एक रिजल्ट फॉर्म करती है जिसे हम बजट कहते हैं। जिस दिन बजट लॉन्च किया जाता है उसके एक दिन पहले यह बताया जाता है, पूरा इकोनॉमिक सर्वे जाता है कि भैया पिछले साल कितना देश से कितना लोन लिया गया, कितना इन्फ्लेशन हुआ, कितना जीडीपी हुआ और कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ भैया देश का। उसके बाद जब बजट को सुनाया जाता है तो ये 2 भागों में डिवाइड होता है, अकाउंट फंड्स एंड अकाउंट 2। उसमें क्या होता है, जब पहले वाला होता है ना उसमें यह बताया जाता है कि भैया जो पहला होता है ना उसमें यह बताया जाता है कि भैया हम लोग के गाँव को कितना भी ग्रो करना है और उसके अंदर कितने वायरलेस हम लोग सिस्टम, नेट्स के सिस्टम या पानी वानी का किस्सा सिस्टम हम उसके अंदर इनबिल्ड कर सकते हैं। बात करें दूसरे की अकाउंट 2 की ना, तो उसमें मेन पूरे भारत की नजर ज्यादातर उस पे रहती है, क्योंकि उसके अंदर यह बताया जाता है कि भैया हम लोग को अब कितना टैक्स पे करना है किसी भी सामान पर। वहीं बात करें इस बार 7 लाख इनकम टैक्स तक एग्जम्पशन पर मिल रहा है, लेकिन मेन बात यह है कि नया टैक्स आने के बाद भी हम लोग को उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जम्पशन और इंक्लूड करके जितना डिडक्शन हो रहा है दोनों सेम ही तो है, बिल्कुल ना के बराबर। खैर ये होना चाहिए था कि भैया अदानी को भैया बजट के दिन प्रॉफिट होना चाहिए था मेन बात बताए तो, क्योंकि भैया कैपेक्स को 10 लाख करोड़ कर दिया गया है 4 लाख की जगह। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे भैया 10,000 करोड़ का पर ईयर का इस बार लाया गया है। और वहीं बात करें ग्रीन एंट्री के लिए 35,000 करोड़ तरफ तक का दिया गया है। लेकिन मेन बात यह आती है, जब आप लोग जीएसटी टैक्स सब चीज पे कर रहे हो तो भैया सरकार इतना पैसा उड़ा कहां दे रही है? तो इसको मोटा मोटा एक चीज में पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको यह दिखेगा कि ग्रॉस टैक्स जो कि 33 लाख करोड़ जो कि हम लोग कमा रहे हैं, उसमें स्टेट्स 10 लाख करोड़ जो कि प्रोजेक्ट में डालेगी, सेंटर के पास टैक्स रेवेन्यू 23 लाख करोड़, यहाँ बात करें नॉन टैक्स रेवेन्यू 3 लाख, और अगर ओवरऑल देखा जाए हम लोग 26 लाख खर्च कर सकते हैं, जिसमें से इस बार सीतारमन जी ने कहा है कि इस बार 45 लाख रुपए खर्च होंगे, मतलब हम लोग की उतनी नीड्स ही नहीं है। मोटा मोटा आपको बताऊं ना, आपके कान में भरूं, इतना टैक्स पे करने के बावजूद भी भारत के पास उतना पैसा है ही नहीं, इसीलिए वो बाहर का देशों से लोन लेता है। और भैया कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ लोग टैक्स पे करते ही नहीं है। सीधी सी बात, किसी भी चीज को अगर आप समझना है ना तो आपको बजट समझना पड़ेगा। तो भैया आप ही बताइए, आपको मैंने जो थोड़ा बहुत भी एक्सप्लेन किया आपके दिमाग में कुछ भी घुसा? मैं सब्सक्राइब करने के लिए वैसे इतनी जल्दी बोलता नहीं हूं, लेकिन तब भी अगर आपको अच्छा लगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और मेरे पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस पे भी एक वीडियो बनाई है तो देख लेना।